शव को गलत तरीके से गंगा में प्रवाह करने वालों की अब खैर नहीं। कानपुर के एसीपी और कर्नलगंज प्रभारी निरीक्षक कोहना अपने फोर्स के साथ गंगा किनारे शव को गलत तरीके से प्रवाह करने और गंगा जी के नजदीक गाड़ कर दूषित करने को उन्होंने इस पर एक दंडनीय अपराध बताया। इस प्रकार का कृत्य करने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। इस बात से घाट के कर्मचारियों और जनता के लोगों में अब अपील किया गया है और कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है अंतिम संस्कार करने में तो उसके लिए कानपुर कमिश्नरेट सहित पुलिस कटिबद्ध है सभी रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए। नवभारत समाचार कानपुर से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। तरह से उसके साथ कोई बार्गेनिंग कर रहा है तो उसकी सूचना तत्काल हम लोग को दीजिएगा ताकि हम लोग उस व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। और अगर वह बिल्कुल असमर्थ व्यक्ति है, गरीब है, उसको नहीं लग पा रहा है कि हम करने में असमर्थ हैं तो उसको हम लोग करेंगे। जो भी सह होगा उनका अंतिम संस्कार के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और अनाउंसमेंट के माध्यम से इसीलिए आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई सूचना आती है तो तत्काल आप हम लोगों को दीजिएगा, 0112 को दीजिएगा, थाना प्रभारी को दीजिएगा, हमको दीजिएगा, बाहर नंबर हम लोगों के लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी में किसी भी तरह का शव का प्रवाह करना या कहीं खन के गाड़ना यह अपने आप में दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अंतिम संस्कार आप कर रहे हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति करने में असमर्थ होता है तो इसकी सूचना आप तत्काल स्थानीय पुलिस को दीजिएगा। उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और बाध्य हैं, अंतिम संस्कार हम लोग कराएंगे। लेकिन किसी भी तरह से किसी भी शव का गंगा जी में प्रवाह कर देना या गंगा जी के गेट के पास गाड़ना यह दंडनीय अपराध है और मानवीय दृष्टिकोण से भी ये अच्छा नहीं है। उसके लिए सरकार ने सुविधा कर रखी है, कभी अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको लगता है कि हम शव का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं तो वो हम लोगों को बताए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि शव का अंतिम संस्कार हम लोग कराएंगे, उसमें कानपुर पुलिस आपके साथ है। कहीं भी है, किसी भी स्तर पे आप देखिएगा हमारा सहयोग अगर आपको बराबर मिलेगा, लेकिन सूचना के बाद। अगर आपको सूचना हमको मिलेगी तो हम 15 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी कार्रवाई को करेंगे। इस महामारी में पुलिस हर तरीके से, तन मन धन हर तरीके से आपके साथ है।